हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर टू कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन यूनिट थर्ड का फर्स्ट पार्ट कराऊंगी। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि कंटेम्प्रेरी इंडिया के अंदर जो यूनिट थर्ड है हमारी, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया गया है। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, के एलिमेंट्री एजुकेशन को हम किस तरीके से यूनिवर्सलाइजेशन फॉलो कर रहे हैं, यानी कि सबको जो है सिस्टम एजुकेशन का प्रोवाइड किया जा रहा है, जनरलाइजेशन का सिस्टम दिया जा रहा है, मतलब कि एजुकेशन हर कोई प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा इश्यूज एंड डिबेट्स क्या क्या हैं ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन की, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि कॉमन स्कूल सिस्टम हम किसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। एंड फिफ्थ टॉपिक जो इसके अंदर कवर होगा वो होगा हमारा थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला हम किसे कहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम हम किसे कहते हैं। और लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडर्नाइजेशन कंसेप्ट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या होंगी। ये हमारा टोटली कंप्लीट सिलेबस है जो कि यूनिट थर्ड के अंदर इंक्लूड किया गया है। आज जो हमारा टॉपिक होगा, आज मैं आपको यूनिवर्सलाइजेशन का इंट्रोडक्शन बताऊंगी फर्स्ट वीडियो के अंदर। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था यूनिट फर्स्ट के अंदर। लास्ट जो हमारा टॉपिक था यूनिट फर्स्ट के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का था, और उन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर आर्टिकल 45 के अंदर ये बताया गया था कि जो 14 ईयर्स तक के स्टूडेंट होंगे, यानी कि जिस बच्चे की एज कितनी है 14 साल है या उससे कम उम्र के जितने भी बच्चे होंगे, उनको जो है 10 साल के अंदर अंदर जो है कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के अंदर लाया जाएगा। यानी कि जब से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ है उससे 10 साल के अंदर अंदर इस एज तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की उनको प्रोवाइड की जाएगी। यानी कि अगर किसी के पास पैसे वगैरह नहीं है तो उनको जो है गवर्नमेंट फ्रीली पढ़ाएगी, और साथ के साथ ये कंपलसरी होगा कि अगर आपके घर में 6 to 14 ईयर्स तक की एज के बच्चे हैं तो उनको जो है एजुकेशन आप प्रोवाइड करें। नेक्स्ट आता है हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होता है। ये हमारी फर्स्ट स्टेज होती है फॉर्मल एजुकेशन की, यानी कि यहाँ से एक्चुअल हमारी एजुकेशन शुरू हो जाती है। और इसके अंदर कौन सी क्लास के बच्चे इंक्लूड होते हैं, 1 to 6 ईयर के, 6th क्लास तक के जो बच्चे होते हैं, यानी कि फर्स्ट से 6th क्लास तक के जो बच्चे हों। और एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर 6 to 11 ईयर्स तक के जो स्टूडेंट हैं उनको इंक्लूड किया गया है। यानी कि अगर वो फर्स्ट क्लास में है और 6 साल का बच्चा है तो जब तक 11 साल का होगा तो वो 6th क्लास के अंदर जा चुका होगा। तो ये इसके अंदर इंक्लूड किया गया है कि 6 to 11 ईयर्स तक के बच्चों को पढ़ाया जाए। देयर आफ्टर मैनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई, और 2002 के अंदर फिर से एक अमेंडमेंट आई जो कि हमारी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, जिसने जो है एजुकेशन को घोषित किया एक फंडामेंटल राइट, यानी कि ये हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, इसमें कोई भी हमें मना नहीं कर सकता है एजुकेशन प्रोवाइड देने से या एडमिशन लेने से। कोई भी स्कूल या इंस्टीट्यूशन मना नहीं करेगा बच्चे को एडमिशन देने से। फिर उसके बाद जो है 2009 के अंदर ये राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009, राइट ऑफ द चाइल्ड टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इन्होंने भी कहा, यानी कि राइट टू एजुकेशन 2009 एक्ट के अंदर बताया गया कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को। फिर आता है हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन इज इम्पार्टेड आफ्टर अर्ली चाइल्डहुड एंड बिफोर सेकेंडरी एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन कौन सी एजुकेशन है जो कि इम्पार्ट की जा रही है, दी जा रही है अर्ली चाइल्डहुड के बाद, यानी कि आफ्टर अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि जब बच्चा जो है फर्स्ट क्लास के अंदर आ जाता है उससे पहले वो 3 या 4 क्लास पढ़ चुका होता है, जैसे नर्सरी होता है हमारा, LKG, UKG, या फिर वो किंडरगार्टन स्कूल वगैरह के अंदर जाता है, तो उससे पहले उसके बाद बच्चा फर्स्ट क्लास में होता है, और फिर कहाँ तक सेकेंडरी एजुकेशन को एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर इंक्लूड किया गया है। यानी कि वो स्टूडेंट जिनकी एज कितनी है 1 6 to 11 ईयर्स है उसको एजुकेशन के अंदर डाला गया है एलिमेंट्री एजुकेशन के। नेक्स्ट आता है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिसीविंग एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन कितने बच्चे आज के टाइम में ले रहे हैं, जो हमारे 2011 की फिगर है, सेंसस 2011 की रिपोर्ट है ये। इन्होंने कहा कि 19.73 करोड़ जो चाइल्ड हैं, यानी कि 16.3% बच्चे जो है नेशनल पॉपुलेशन का, वो एलिमेंट्री एजुकेशन गेन कर रहे हैं, यानी कि वो क्लास 1 से लेकर 6 क्लास तक वो पढ़ रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग का हमारा बेसिक था कि एलिमेंट्री एजुकेशन किस तरीके से अप्लाई किया गया, यूनिवर्सलाइजेशन का कंसेप्ट किस तरीके से आया।
अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।